लास्ट क्लास मुझे लगता है इंजॉय की होगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था और कॉन्फिडेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। आज हम लोग चलते हैं डूइंग डूइंग वर्ब्स या डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स करते हैं। एक्शन वर्ड्स में ये एक्शन शो करते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे वी ईट, वी स्लीप, वी ड्रिंक, वी जंप, वी रन, वी वॉक, वी वट एवर वी डू, ओके, वी रीड, वी राइट, वी फाइट, वी स्किप, वी प्ले, वी ड्रॉ, वी थ्रो, वी लाफ, वी लीप, कुछ भी क्राई, कुछ भी करिए, वी स्लीप, तो दैट इज एक्शन वर्ब। वो हम एक्शन शो करते हैं हम क्या करते हैं, तो इनको हम लोग डूइंग वर्ब्स कहते हैं या फिर एक्शन वर्ड कहते हैं। तो चलिए वो छोटा सा बताते हैं, इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्ले, वाटर्स, देखिए वाटर्स मैंने लिखा, वाटर्स वाटर नहीं लिखा, पानी नहीं लिखा, वाटर्स वाटर्स में पानी देना पौधों में, दैट इज फ्रॉम वाटर्स, ठीक है। ड्रिंक, ईट, रन, रन, ठीक है, जंप, तो मुझे जितने ध्यान थे स्लीप, रीड, राइट, रन, ईट, जंप, राइट, जो भी मुझे याद थे वो मैंने लिख दिया। अब सीधा सिंपल फंडा समझो ना, ये एक्शन और जो भी हम करते हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उठते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, थ्रो मींस फेंकते हैं, ठीक है, दैट इज एक्शन वर्ड। और दैट इज डूइंग वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स, समझ में आया। मीन यहाँ पर कॉन्सेप्ट इतना सही है, वट एवर वी डू, वट अ पर्सन, एनीवन और अ थिंग डज, इट टेल्स अस, मैं आपकी डेफिनेशन लिखती हूँ,